दूसरे के सुख की बात करते हैं। तत्सुख सुखित्व और तत्सुख सुखित्व की जो पराकाष्ठा है वह प्रिया जी में है और गोपियों में है। इसलिए ठाकुर रात को सोते सोते प्रिया जी का नाम लेते हैं और रानियों ने रुक्मिणी को पकड़ा और रोहिणी को पकड़ा, रोहिणी माता को, माता आप हमें समझाओ आफ्टर ऑल बात क्या है। तो रोहिणी ने कहा देखो मेरे को कन्हैया ने मना किया हुआ है, लेकिन अब आप लोग भी उसकी पत्नियां ही हो, कोई बाहर की तो नहीं हो, और पति पत्नी की एक ऐसी स्थिति होती है, भगवान न करे कोई विरोध हो, अन्यथा शायद सर्वाधिक अंतरंगता पति पत्नी में ही होती। पति की बात को पत्नी से क्या छुपाना और पत्नी की बात को पति से क्या छुपाना। तो बोले चलो मैं तुमको कृष्ण की ब्रज लीलाओं को सुनाती हूँ। राधा से उनका क्या कनेक्शन था, राधा क्यों इतनी अच्छी लगती है, राधा के साथ क्या लीलाएं होती थी, क्या करते थे, उन सबको मैं तुमको सुनाती हूँ। लेकिन देखो कहीं कन्हैया आ नहीं जाए, अगर वो आ गया तो मेरे को बहुत गुस्सा करेगा। तो बोले ऐसा करते हैं कि हम लोग इस हॉल में अंदर आप हमको सुनाओ, हम कोई एक तो थी नहीं, आठ तो रानियां थी और भी थी, तो सब इकट्ठे हो गए और रोहिणी सुनाने लगी। बोले ये जो सुभद्रा है इसको बाहर बैठा दो, सुभद्रा कृष्ण की बहन है, गेट के बाहर बैठा दो और अंदर से दरवाजा बंद कर दो कि यदि कृष्ण आए तो ये हमें इशारा कर देगी, हम उस बात को बंद कर देंगे और अपनी दूसरी बात बदल देंगे। ये बाहर बैठी रहे गेट के। ऐसा ही किया गया और कृष्ण लीला, कृष्ण की ब्रज लीला, और कृष्ण का ये प्रण है कि जहां जहां मेरी लीला का गान होगा वहां वहां मैं अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे गीत गोविंद का है, जगन्नाथ जी का ये प्रण है कि गीत गोविंद कोई भी कैसी भी अवस्था में गाएगा मैं उसको सुनने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। किसी पठान ने घोड़े पर गाया तो किसी बालिका ने कांटों के बैगन के खेत में गाया तो जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए, आप सब जानते हैं। ऐसे ही जहां मेरा लीला गुण कीर्तन होता है, नाम रूप लीला गुण कीर्तन होता है, वहां मैं अवश्य पहुंच जाता हूं। वही हुआ, ब्रज लीला शुरू हुई। भगवान कृष्ण सुधर्मा सभा में द्वारिका में विराजमान थे, उन्हें कहीं ना कहीं से वो भनक पड़ी, हृदय में कुछ गड़बड़ी सी पैदा हुई कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। उन्होंने देखा ओह यहाँ द्वारका में मेरी ब्रजलीला का गान किया जा रहा है, द्वारका में मेरी प्रिया जी की, मेरी गोपियों की लीलाओं का गान हो रहा है। छटपटा गए, किसी भी प्रकार से बहाना बना और उस द्वार के बाहर कृष्ण और बलराम आके बैठ गए। सुभद्रा छोटी बहन है दोनों की, सुभद्रा ने जैसे ही संकेत करना चाहा उसको रोक दिया, ए चुप चुप चुप, नहीं नहीं भैया बोल चुप, एकदम चुप। बोल नहीं मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। बोले अंदर मैं भी, हम भी नहीं जाना चाहते, तू बैठी रहे बाहर और हम भी बाहर बैठे हुए, और अंदर से बस ये थोड़ा सा किवाड़ की झिरी खोल दे, जो चर्चा चल रही है वो हमको सुनाई देती रहे। तो ऐसा ही हुआ, अंदर रोहिणी जी ब्रज लीला सुना रही हैं, ब्रज की लीलाओं को सुना रही हैं, और बाहर बीच में सुभद्रा बैठी हैं, एक तरफ कृष्ण बैठे हैं, एक तरफ बलराम बैठे हैं, उन कथाओं को सुन रहे हैं। भगवान की ब्रज की जो लीलाएं हैं वो इतनी अंतरंग हैं, इतनी गूढ़ हैं कि यदि वो एक बार समझ आने लगे, उनमें प्रवेश हो जाए,
तो शरीर में अष्ट सात्विक विकार आए बिना एक साधारण जीव के भी नहीं रह सकते हैं, जबकि वो तो स्वयं कृष्ण थे, स्वयं बलराम थे, अपनी ही लीलाओं को सुनकर ये जो स्वरूप है ये अष्ट सात्विक विकार का है। सात्विक विकारों में कई बार तो ये जो बांह है हमारी, ये बांह घुस जाती है अंदर, कभी ये लंबी हो जाती यहां से वहां तक, कभी मृत अवस्था को प्राप्त होता है, कभी रोता है, कभी मुख से लार निकलती है, कभी कांपता है, कभी विस्मृत में कहां हूं ऐसे हो जाता है, बहुत सात्विक विकार है। तो उस समय ठाकुर के ऊपर अपनी लीला कथा को सुनने से विकार प्रकट हो गए और तीनों पर हो गए, कृष्ण पर हुए, बलराम पर हुए और सुभद्रा पर भी हो गए। तो वो जो विकार हो गए उसी समय नारद जी ऊपर से, जब कृष्ण कथा हो रही है तो नारद भी नहीं रुकते हैं, मत मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद से कहा था, बोले प्रभु आप कहाँ मिलते हो? बोले अरे नारद तेरे को पता नहीं, मेरे भक्त जहां मेरी कथा मेरी लीला का गान करते हैं मैं वहीं मिलता हूं। तो बोले महाराज अब आज से जो है तुम तो मिलते ही हो, मैं भी मिला करूंगा। तो भगवान तो बैठे हैं, नारद भी ऊपर से अंतरिक्ष से लीला कथा सुन रहे हैं और नारद ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, फटाक से नारायण नारायण और प्रकट हो गए। अरे नारद तुम कैसे? बोले महाराज रुको, वो ठाकुर जैसे प्रकट हुए तो थोड़ा संवरण करने लगे। बोले नहीं नहीं रुको 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 रुको, रुको। क्यों? बोले ये आपका रूप बड़ा मनोहर लग रहा है और ये आपकी ब्रज लीला का परिचय दे रहा है। आपका यह रूप हम चाहते हैं कि सृष्टि में, विश्व में, वैष्णवों में प्रचलित हो, तो आपके मैं इसी रूप को हृदय में धारण करना चाहता हूं और इसी रूप को प्रचलित करना चाहता हूं। आप ऐसे ही दर्शन देते रहे और ऐसे ही आप विराजमान रहे। तो ठाकुर ने कहा, ठाकुर तो भक्त वांछा कल्प तरु है और जिसमें नारद जी तो भक्त श्रेष्ठ। तो बोले ठीक है नारद, जैसा तुम चाहते हो, मेरा एक ये रूप भी विश्व में, सृष्टि में प्रकट रहेगा और लोग इसको जगन्नाथ के रूप से जानेंगे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। नारद जी भी अपने पधार गए, बोले प्रभु ये रूप ऐसा कैसे प्रकट होगा, क्या होगा? नॉर्मल हो गए कृष्ण बलराम सुभद्रा। बोले समय आने पर सब होगा, तुम देखते रहो, जब समय आएगा तब सब होगा और यह रूप प्रचलित होगा, पूजित होगा। ये तीनों को ही जगन्नाथ बोला जाता है। अगर जगन्नाथ भगवान की जय बोले तो कृष्ण की जय, बलराम की जय, सुभद्रा की हो गई। और वैसे श्री कृष्ण को भी जगन्नाथ बोला जाता है, जगन्नाथ बलभद्रा, बलभद्र और सुभद्रा की जय, दोनों तरह से मान्य है, जैसे भी हम चाहें। तो वो यहाँ लीला संवरण हुई, खटर पटर हुई, जहाँ नारद जी पहुंचे वहां जग 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 नारायण नारायण। तो अरे बोले ये क्या हो रहा, दरवाजा खुला दरवाजा खुला। तब तक रूप संवरित हो गया था, रोहिणी आदि ने, आदि की भी अंदर जो कथा चल रही थी वह रुक गई थी और सब अपने अपने महल को गए। लेकिन आप ये समझें कि रोहिणी को, रुक्मिणी आदि को वह रस समझ आ गया, ऐसा नहीं हुआ, उनको समझ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वह ऐश्वर्य की, वह दूसरे रस की, वो समंजसा रति की पात्र हैं, उनको वह बात समझ नहीं आ सकती। लेकिन उनको आनंद आया और उनको ये पता लग गया कि कुछ कारण जरूर है, हमारी समझ नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, कोई कारण जरूर है और रोहिणी मैया सुना रही है। इसके बाद ये तो इसका आंतरिक स्वरूप है ठाकुर के इस वेश धारण का। फिर इसको प्रैक्टिकल करना था, फिर वो प्रैक्टिकल करके इस रूप में आनी थी। आपको याद है इंद्रद्युम्न की कथा? नहीं याद है?
आधी अधूरी। शिवाय कहाँ है? अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे। कितना समय हो गया? 7:10 हुए। 7:10 हुए तो कल क्योंकि दर्शन करने हैं, मुझे थोड़ी जो फैक्ट्स हैं वो भूल जाता हूँ। मुझे जितनी याद है ये जब प्रैक्टिकल हुआ सुनाते हैं, कल फिर एक बार शिवाय से सुन लेंगे, बच्चा है उसको याद है या दोबारा सुन लेंगे। इसके बाद क्या हुआ राजा इंद्रद्युम्न, इंद्रद्युम्न के मन में आया कि मैं एक विशाल मंदिर बनाऊं और उसमें ठाकुर की पूजा करूं। और ये सब होते 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 कुछ ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कि सृष्टि पलट गई, प्रलय हो गई, नई सृष्टि आ गई। इंद्रद्युम्न फिर प्रकट हुए, वो मंदिर भी वो रहा या क्या ऐसा कुछ रहा। तो राजा तलाश में रहा कि ये मंदिर बनेगा, इसमें कौन विराजेंगे? नील माधव जी, जिनके दर्शन करने हम चलेंगे, जगन्नाथ जी उन्हीं का ही स्वरूप है। तो पता चला कि ठाकुर यहीं कहीं हैं। तो राजा ने एक अपने मंत्री को लगा दिया, पता करो, ये करो, वो करो। राजा ने, मंत्री ने पता किया, मंत्री भी इतना इतना डिवोटेड था कि उस वो जंगल 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 घूमता रहा कि कहीं पूजा तो होती है नील माधव की, कहीं विग्रह तो है, कहाँ है। तो देखा कि एक एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो है रोज एक जगह कहीं पहाड़ पर जाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है, और उसके एक्शन से लगता है कि कहीं ये पूजन करने जाता है। उसकी एक बिटिया थी, तो वो राजा का मंत्री जो है उसके घर जाता, उसने बिटिया से अपना हेल मेल थोड़ा बढ़ाया किया, अपने को छुपा के उन्हीं के ही गोत्र का बताया, कुछ ऐसा किया, मुझे एकदम फैक्ट्स ध्यान नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति ये हुई कि उसने पिता वहीं सेवा करने लगा, रहने लगा, वहाँ नौकरी करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। तो उस पिता को राजी कर लिया उसकी पुत्री से विवाह करने को, पुत्री भी राजी हो गई कि ये बहुत शरीफ आदमी है और इससे हमारा विवाह कर दो। राजी हो गए और विवाह कर लिया। विवाह केवल उस कार्य की पूर्ति के लिए था, ना तो कोई वासना थी और ना कोई विवाह का उद्देश्य था। उसका मंत्री तो विवाहित था पहले से, लेकिन कुछ काम करना है तो कुछ भी कर गुजरेंगे। उस स्थिति से उसने बिटिया से विवाह कर लिया, वही रहने लगा, विश्वास बढ़ाने लगा। तो रोज देखा कि एक उसके पिता, मैं नाम भूल रहा हूं, नाम याद है आपको? नहीं ना। उसके पिता रोज रोज कहीं जाते हैं सुबह और आते हैं। तो उसने कहा, पिताजी अब तो मैं आपका पुत्र जैसा हूं, आप कहां जाते? बोले, नहीं बेटा ये गोपनीय है, ये सब मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सब गोपनीय है। फिर भी धीरे 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 कहता रहा, कहता रहा। तो एक दिन वो पिता मान गए, बोले ठीक है तू चला चल, मैं जिस देव की पूजा करता हूं उसके दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन वो कहाँ है ये तेरे को पता नहीं चलने दूंगा, तेरी आंखों पर पट्टी बांध के अपने साथ ले चलूंगा। बोले हाँ, आंख पे पट्टी बांध के ले चलिए, मुझे रास्ते का क्या करना है, मुझे उस दिव्य देव के दर्शन करने। तो उस वो उनके साथ गया, चतुर था, उसने अपने जेब में जो है छेद कर लिया और उसमें सरसों के दाने बीज डाल लिए। जिस रास्ते से वो गया, एक एक दो दो बीज गिरते गए और 10-5-15 दिन में या महीने में वहां पर वो सरसों की एक जो जाली बन गई या एक जो खेती सी हो गई। तो महीने 15 दिन बाद उसने देखा कि ये रास्ता है, और उस रास्ते पर जाके जब देखा तो वो उसको रास्ता भी पता चल गया और दर्शन तो कर लिए थे। और जिस दिन दर्शन किए, रास्ता पता चला, उसी दिन रात्रि को वो गोल हो गया। और गोल हो के जाके अपने राजा को रिपोर्ट की कि महाराज आपकी कृपा से ठाकुर भी मिल गए और रास्ता भी मिल गया। राजा ने बहुत शाबाशी दी और बहुत कुछ किया, और राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया
उस स्थान पर और आक्रमण करके बोले ऐसे जाने नहीं देंगे, भील जाती है, ये है वो है। सेना के बल पर जाके उसने वहां उन श्री विग्रह को प्राप्त करने का निर्णय किया और इसको हम अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। जैसे ही वहां गया, राजा पहुंचा, तो वो नील माधव के विग्रह तिरोहित हो गए। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये क्या हुआ, प्रभु मेरे से क्यों नाराज है। फिर उसने तपस्या की, जाने क्या किया, कुछ किया, जो भी करते रहे तो नील माधव जी ने फिर स्वप्न दिया कि तेरे तू यदि चाहता है तो मैं तेरे मंदिर में आऊंगा, विराजमान होऊंगा, तू ये कर तू वो कर, ऐसा कुछ बताया। और तू मंदिर का पहले निर्माण पूरा कर, फिर कितने कई हजार साल जो कल्प बीत गए, क्या हुआ। तो फैक्ट्स, जो मैं फैक्ट्स कह रहा हूं वो फैक्ट्स सही हो जरूरी नहीं, मैं तो उस पर केंद्रित हूं, एक कथा पर केंद्रित हूं। तो उन्होंने, नील माधव ने कहा कि तू मंदिर बना ले, तू प्रार्थना कर, तपस्या कर, ऐसा कर वैसा कर। तो राजा ने वैसा किया, तो बोले तुम्हारे घर एक वृक्ष ले आओ, ये ले आओ, तुम्हारे घर एक अपने आप कोई मूर्तिकार आएगा और वह मेरी मूर्ति को बनाएगा, वो मूर्ति बनाएगा और उस मूर्ति की आप पूजा करना। ऐसा ही हुआ, अचानक एक बुजुर्ग कारीगर आया और उसने कहा कि मुझे स्वप्न हुआ है, आपके घर मूर्ति बनानी है। बोले हाँ बनाइए। बोले मेरी एक शर्त है कि मुझे एक बड़ा सा हॉल दे दिया जाए, उसमें लकड़ी दे दी जाए, औजार मेरे पास हैं, मैं 40 दिन में ठाकुर के श्री विग्रह बना के तैयार कर दूंगा। शर्त यह है कि कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। बोले प्रभु आप प्रसाद वगैरह, बोले वो मैं सब अंदर ही जो मुझे करना होगा कर लूंगा, यदि तुमने द्वार खोला तो मैं उसी समय चला जाऊंगा और 40 दिन तुम इंतजार करो, मैं विग्रह बना के, दिव्य विग्रह बना के तुमको दूंगा, तुम उनकी पूजा करना, मेरे को भी स्वप्न हुआ है, तुमको भी स्वप्न हुआ है। तो बोले ठीक है महाराज। राजा को शक तो हुआ, लेकिन राजा ने कहा ठीक है, वो शक्तियां और वो सब चमत्कार, प्रभु में श्रद्धा उसकी थी, भक्त था, तो एक कमरे में बंद कर दिया गया उनको। वो साक्षात विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा जिन्होंने इस विश्व की सृष्टि की है। वो आए और रोज अंदर से ऐसे खटखट की, काटने की, लकड़ी की, इसकी उसकी आवाज आती रही। जाने 30वें दिन, जाने 35वें दिन, कुछ ऐसा है कि वो आवाज थोड़ी बंद हुई। 1-2 दिन तो बंद हुई, तो राजा को लगा यार बुढ़ा सा आदमी था, न जल ले रहा है, न फल ले रहा है, न भोजन ले रहा है, पता नहीं अंदर है भी सही कि नहीं है, क्या है। अब वचन ऐसा ले लिया कि बड़ी मुश्किल हो गई। तो उसने उस जैसे ठाकुर की लीला है, जैसे जैसे साक्षी गोपाल के लिए वो यहां तक तो बिना देखे आ गए, ठाकुर की लीला थी कि 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पहले देख लिया। तो ऐसे ही उन्होंने जाने 30 दिन, 35 दिन, 38 दिन तो गुजार दिए। बोले अब तो आवाज भी नहीं है, 3 दिन से कहीं ऐसा ना हो कि अंदर वो कारीगर मर गया हो। तो उन्होंने द्वार खोल दिया, द्वार खोल दिया तो विश्वकर्मा तो लुप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। वहां पर ये विग्रह, जिसे हम कह सकते हैं कि शायद ये अधूरे बने विग्रह, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि यदि 5 दिन द्वार नहीं खोले जाते तो वो कारीगर इनके हाथ बना देता, इनके नाक बना देता, इनके पैर बना देता, क्योंकि समय से पहले उनको खोल दिया गया तो ये विग्रह प्रकट हो गए। और ये हम पहले सुन चुके हैं कि ये ठाकुर की कृपा, ठाकुर की लीला से हुआ, ये अधूरे हृदय, अधूरे विग्रह नहीं है। ये वो जो नारद जी ने कहा था, प्रभु आपका यह सात्विक विकार वाला स्वरूप जगत में प्रचलित होना चाहिए, तो ये वही के वही विग्रह बने। उनकी प्रेरणा से दरवाजा खोला और ये विग्रह बन गए और ये तब से फिर प्रचलित हो गए। वो तो द्वारका की बात है, लीला की बात है, ये इस भौतिक जगत की बात है कि ठाकुर इस रूप में प्रकट हुए।
बाह्य लोग तो ये समझते हैं जल्दी खोल दिया दरवाजा, हाथ बन नहीं पाए, लेकिन वैष्णव समझते हैं कि ये ठाकुर की सब लीलाएं होती हैं। जब राजा जैसा व्यक्ति जो वहां तक चढ़ाई कर दी, इतनी सफलता कर दी, स्वप्न में भगवान जिससे बात कर रहे हैं उसको ये समझ नहीं आई, 5 दिन और रुक जाता, कोई कच्चा पक्का हम जैसा आदमी थोड़ी था, लेकिन वो सारी लीला से ऐसा होता है। तो ये हमारे जगन्नाथ जी तीनों सुभद्रा बलराम श्री कृष्ण के रूप में इस रूप में प्रकट हुए। जय जय श्री राधे जगन्नाथ जी महाराज की जय।